हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ जोशी एंड यू आर वाचिंग सिद्धार्थ जोशी फिटनेस। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, जिससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं फीचर में कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेस्ट डिप्स। तो हम चेस्ट डिप्स पैरेलल बार में कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा, सही फॉर्म में कैसे लगाते हैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं गाइस इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि थी बिगिनर्स के लिए, जिनको चेस्ट डिप्स बिल्कुल भी लगाते नहीं आती है, जिन्होंने कभी इसमें ट्राई नहीं किया है वो बोलते हैं कि सर हमसे लगती नहीं है। तो मैंने उनके लिए ये वीडियो अपलोड की थी बिगिनर्स के लिए। तो गाइस, आज की जो वीडियो है जिनको ऑलरेडी वो उनके लिए है जिनको ऑलरेडी चेस्ट डिप्स लगाते आते हैं लेकिन वो गलत फॉर्म में लगाते हैं, उनके हैंड के मूवमेंट गलत जाते हैं और उससे इंजरीज होने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइस, चेस्ट डिप्स क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जिनको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है, जिनका लोअर चेस्ट ग्रो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, चेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं हो पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है अच्छे से, और साथ ही साथ फैट जिसके चेस्ट में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए एक आप बोल सकते हैं वरदान जैसी है, बहुत काम की एक्सरसाइज है। गाइस, जो हम चेस्ट डिप्स लगाते हैं पैरेलल बार पे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगाते हैं, सही फॉर्म क्या होता है इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका पोस्चर बता दूंगा कैसा रहता है। ये देखिए, आपने ऐसा पकड़ा, आपके शोल्डर्स नीचे रह गए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऊपर कर रहे शोल्डर्स, शोल्डर्स नीचे, चेस्ट का आपका कोर टाइट होना चाहिए इसमें, और आपके जो लेग्स है वो आप आगे की तरफ ऐसे रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बाकी के बॉडी पार्ट्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आपका कोर टाइट होना चाहिए इससे, पहली बात इसमें, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर आपका ऐसे करने से आपका प्रॉपर चेस्ट पे टारगेट होगा, चेस्ट टारगेट होगा, चेस्ट और फिर ऐसे ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस मशीन पे अपने जो एल्बो से वो लॉक नहीं करने, लॉक से मेरा क्या मतलब है, जैसे कुछ कुछ लोग एकदम ऊपर आते टाइम अपने हाथ एकदम स्ट्रेट कर देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना है, थोड़े से अपने जो हाथ है वो थोड़े बेंड रखे, नहीं तो यहाँ पर जॉइंट पेन होने लग जाएगा, आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर हाथों में अपने जो है एल्बोज में। सो गाइस, इसका ध्यान रखिए, आप अपने जो हैंड से वो लॉक नहीं करना है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अपने जो हैंड से वो ऐसे फ्लेयर करना, अगर आप ऐसे हाथ क्लोज करके लगाएंगे तो आपका जो ट्राइसेप है वो टारगेट हो जाएगा, हमें सिर्फ इसमें चेस्ट को टारगेट करना है, याद रखिए। तो आपके जो हाथ है थोड़े डिस्टेंस पर रखें, इसमें सबसे पहले आपका जो है नीचे आते तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ तक इस पोजीशन तक आना है आपको, इससे अगर नीचे गए आप, ये देखिए इससे नीचे अगर इतना नीचे गए आप तो आपको शोल्डर पेन होगा, यहाँ पर इंजरीज होने के चांसेस बहुत है। सो याद रखिए यार, आपको ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही आना है, साथ ही साथ गए आपको मेन पर भी ध्यान देना है, आपको ज्यादा स्पीड में नहीं जाना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे देखिए धीरे धीरे नीचे आना है आपको, फिर ऊपर आना है, धीरे धीरे नीचे आना है, ये अपनी स्पीड पर ध्यान रखिए, अगर आप धीरे धीरे नीचे आएंगे तभी आपकी जो चेस्ट की मसल है वो प्रॉपर स्ट्रेच हो पाएगी अच्छे से, तभी आपको मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सिद्धार्थ जोशी फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा पेज बना है। So, love you guys. Bye.